तो भाई यूँ कैसे चल रही है पबजी। तो यार आज के इस वीडियो में मैं तुम लोग के लिए एक ऐसा GFX रूल लेकर आया हूँ जिसकी वजह से तुम अपने लोएंड डिवाइस में पबजी गेम खेल सकते हो विदाउट एनी लैग हीट और फलाना ढिमकाना। और नया GFX टूल नहीं है, अच्छा खासा GFX टूल है, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं, बट उसमें मैं तुम लोगों को एक ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जिससे तुम 40 FPS खेल सकते हो विदाउट एनी लैग। मतलब 60 नहीं बताऊंगा, कोई 60 का क्या चक्कर पड़ता है वो मैं तुम लोगों को पूरी वीडियो बता दूंगा, लास्ट तक के देखना, खुद लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, छोड़ के मत जाना वीडियो आखिर में ताकि तुम्हारा लॉस ना हो। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहली बात आती है कि तुम लोगों को इस सॉल्यूशन के लिए कौन से GFX टूल की ज़रूरत पड़ेगी। कोई ज़्यादा खतरनाक GFX टूल नहीं है, कोई पेड GFX टूल नहीं है, सिंपली GFX टूल का नाम ही GFX टूल है। ये रहा हमारा सिंपल सा GFX टूल फॉर पबजी। ना तुम्हें कोई मतलब मैं तुम्हें अलग से फाइल नहीं दूंगा इसके लिए, कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो वाले जो GFX टूल है वो कुछ ज़्यादा तुम्हें खास कुछ ऐसे कोई एक्सपीरियंस देंगे नहीं, बाकी वैसे ही पोटैटो ग्राफिक्स आजकल जो है ख़त्म हो चुके हैं, तो तुम लोग सिंपली ये वाला GFX टूल आराम से डाउनलोड कर लो। ये तुम्हें प्ले स्टोर से मिल जाएगा, सीधा इसको फिर ओपन करते हैं और आगे तुम लोगों को क्या करना है वो आधी जनता जानती है, अपनी अपना वर्जन सिलेक्ट करना है। और उसके बाद एक बहुत ही मेन चीज़ आती है कि तुम लोगों को यहाँ पे रेजोल्यूशन कौन सा चूज़ करना है। कुछ लोग क्या कर देते हैं यहाँ पे 1440 कर देंगे या कुछ ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये रहती है कि जो कंट्रोल्स का साइज़ रहता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो तुम्हारा लेआउट रहता है वो फिट नहीं आता स्क्रीन पे। देखो उसके लिए एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है कि तुम क्या कर सकते हो, अपना CPU-Z एक ऐप आती है, बहुत सारे लोगों के फोन में भी होगी, तो वहाँ से तुम अपने फ़ोन की हर एक चीज़ जान सकते हो, रेजोल्यूशन भी तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। डिवाइस पे जैसे तुम ऊपर जाओगे यहाँ पे तुम्हें रेजोल्यूशन तुम्हारा मिल जाएगा, ये रहा 1080x2160 pixels, ये मेरे Redmi Note 5 Pro का है, यहाँ पे तुम ऊपर मेरा डिवाइस देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जैसे तुम यहाँ पे GFX टूल पे जाओगे, रेजोल्यूशन में तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेरा भी ऑप्शन इसमें है नहीं तो मैं उसको थोड़ा कम ही यूज़ करूँगा, कॉज अगर मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, मैंने बहुत सारे यहाँ पे ट्राई करके देखे, जैसे मैंने 1280 करता हूँ तो लेआउट जो है मेरा फिट नहीं आता स्क्रीन पे, तो सही यही है 1024 करो, अगर तुम्हारा इससे ज़्यादा है और यहाँ पे एग्जैक्ट आ रहा है तो तुम बिल्कुल वो कर सकते हो। अब उसके बाद आती है ग्राफिक्स की। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे, अलग लैंग्वेज है बट मैं तुम लोगों को सिंपली बता देता हूँ। लुक, अगर तुम लोगों को यहाँ पे HD ग्राफिक्स चाहिए तो तुम स्मूथ HD कर सकते हो, अगर तुम लोगों को अपने सिर्फ स्मूथ ग्राफिक्स चाहिए तो यहाँ पे स्मूथ कर लो, और अगर HDR चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है ही, ठीक है। अब उसके बाद मेन चीज़ आती है FPS की। देखो FPS मैं तुम लोगों को यही प्रेफर करूँगा, अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है 2GB 3GB वाला या 4GB वाला भी, तो 40 FPS ही प्रेफर करो, बिकॉज अगर तुम 60 FPS कर लोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लुक, अगर तुम लोगों को 60 FPS चाहिए भी तो अगर तुम यहाँ पे सिर्फ स्मूथ HD कर लोगे और फिर 60 FPS पे क्लिक करोगे तो तुम्हारे एक्सट्रीम FPS नहीं आएंगे, उसके लिए तुम लोगों को यहाँ पे स्मूथ HDR पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर HDR पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे 60 FPS आएंगे, अदरवाइज तुम्हारे 60 FPS नहीं आएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे स्मूथ और सिर्फ 40 FPS रखता हूँ और सबसे ज़्यादा सही है। आगे की जो ऑप्शंस हैं, जो भी आगे की सेटिंग्स है वो तुम लोग आराम से देख सकते हो, मैं बोल बोल के नहीं बताऊंगा, पकाऊंगा तो नहीं तुम लोगों को, तुम लोग यहाँ पे सिंपली इसको स्लो करके और पॉज करके देख सकते हो कि आगे क्या क्या थोड़े बहुत जो छोटी मोटी सेटिंग्स है, ज़्यादा कुछ खास सेटिंग्स नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद सिंपली तुम लोगों को पता है अपना एक्सेप्ट करना है, हमेशा एक चीज़ ज़रूर याद रखना, जो तुम्हारे कंट्रोल्स हैं उसको इनेबल करना, मैं एक सेकंड इसको हटा के दिखा देता हूँ, हमेशा कंट्रोल्स इनेबल करना, अगर इनेबल नहीं करोगे तो भाई तुम्हारे जो भी कंट्रोल्स थे वो सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे, ठीक है। अब तुम लोगों को सीधा अपना एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, जैसे तुम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे एक सिली सा ऐड आएगा और उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे रन गेम पे क्लिक कर दे। तो भैया मैंने तुम लोगों को सेटिंग्स तो बता दिए 40 FPS पे खेलने की, बट इससे ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डिवाइस या तुम्हारा गेम बिल्कुल लैग फ्री हो जाए, तुम्हारे गेम में तुम लोगों को लैग एक्सपीरियंस होगा, बट इतना कि तुम उसको आराम से इजीली कंट्रोल कर पाओगे। और विदाउट GFX टूल तो यार मतलब कंपेरेटिवली बहुत ही कम लैग तुम्हारा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, बिकॉज विदाउट GFX टूल तुम्हारा हर एक चीज़ जो है वो स्लो हो जाती है, तुम्हारी हिप फायर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, बट इसके साथ तुम्हारा गेम भी अच्छा खासा स्मूथ हो जाएगा और क्लोज रेंज फाइट तुम आराम से ले पाओगे। थोड़ा बहुत लैग होगा जब एक दो स्क्वाड तुम पे क्लोज इन करेगी, वो ऑब्वियसली हर एक डिवाइस में होता है एक्सेप्ट आईपैड। चलो अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैंने तुम्हें एक्सट्रीम FPS प्रेफर क्यों नहीं करे, वहाँ पे तुम लोगों को सेटिंग ज़रूर बता दी थी, बट मैं अब भी यही कहता हूँ कि एक्सट्रीम FPS मत लेना अगर तुम्हारे पास लो एंड डिवाइस है, बिकॉज यार मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत सारे GFX टूल ट्राई भी करें जिसमें तुम्हें एक्सट्रीम FPS मिल जाएगा, लोग तुम्हें सेटिंग्स बता देंगे, हाँ उससे तुम्हें मिल जाता है एक्सट्रीम FPS, कुछ फेक नहीं है, बट हाँ प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने एकदम से आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा और बहुत खतरनाक प्रॉब्लम्स, बिकॉज यार अब देखो पोटैटो ग्राफिक्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, तो जैसे ही तुम अपना GFX टूल में जाके अपने एक्सट्रीम FPS जाओगे, उसे इनेबल करोगे गेम में, पहला मैच तुम TDM का खेलोगे बहुत स्मूथ चलेगा, मेरे साथ भी हुआ था, आधे घंटे बाद ही तुम्हारा फ़ोन हीट करने लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत करेगा, एक दिन तुम्हारा सही निकलेगा एक्सट्रीम FPS में। जैसे तुम दूसरे दिन जाओगे अपना गेम ओपन करोगे, पहला TDM खेलोगे, पहला TDM खेलने के साथ ही तुम्हारा फ़ोन इतना हीट अप करेगा ना यार,
हद हीट करेगा तुम्हारा फ़ोन। लाइक अगर तुम बैक कवर हटा के अपने फ़ोन को खेलोगे, खेलना चाहिए बिकॉज उससे हीट निकलती है फ़ोन में से, तो तुम अपने फ़ोन को पीछे से पकड़ नहीं पाओगे, उंगलियां थोड़ी होती ना जिजल करती है वहाँ पे, तुम पकड़ नहीं पाओगे ढंग से उसको। और साथ के साथ क्या होगा, जैसे ही तुम्हारी हीट बढ़ेगी तुम्हारी बैटरी पे प्रेशर आएगा, उसी के साथ बैटरी ज़्यादा ड्रेन होगी। और ये तुम्हारे सिर्फ गेम प्ले को ही नहीं तुम्हारे फ़ोन को भी इफेक्ट करेगा, जो कि सिर्फ बैटरी लाइफ ही नहीं तुम्हारे फ़ोन की लाइफ को भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब गेम प्ले को कैसे इफेक्ट करता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। यार मैंने एक हफ्ते एक्सट्रीम एफपीएस पे गेम खेला है अपना GFX 2 से, यार क्या प्रॉब्लम हुई है, जैसे ही बंदा क्लोज इन करता है, सिर्फ एक बंदा, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ स्क्वाड नहीं कह रहा मैं, जैसे एक बंदा क्लोज करता है क्या होता है, जैसे तुम्हारा हिप फायर होता है ना, मतलब जो तुम्हारा क्रॉस एयर होता है वो तुम्हारा वहीं पे ही फ्रीज हो जाएगा। लाइक तुम अपने थंब से उसको जरूर से अपने बंदे पे, तुम क्रॉस एयर कैसे कंट्रोल करते हो अपने थंब से, तो मतलब मूव इन करते हो मूव आउट करते हो, तो तुम अपने अंगूठे से सब कुछ कंट्रोल करते हो, वो तुम्हारा वहीं पर ही फ्रीज हो जाएगा पूरी स्क्रीन। लाइक तुम उसको ट्राई करोगे साइड स्विच करने की, बट नहीं होगा भाई, तुम्हारी क्लोज रेंज हद से मतलब बद से बदतर हो जाएगी। मैंने पूरा एक हफ्ते इसको ट्राई आउट करा था, स्टार्टिंग के एक दो दिन बहुत सही चला, बट तीसरे चौथे दिन में मेरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब एक्सपीरियंस मिले। तुम जो शूट करोगे, मतलब जैसे तुम अपना कोई स्प्रे दे रहे हो सामने वाले बंदे को, तो जो फायर का जो स्पीड होती है ना, जो स्मूथ निकलती है गोलियां, वो एकदम से स्लो हो जाएंगी। लिटरली तुम एक एक गोली सुनाई देगी, जो भी बंदे लो एंड डिवाइस पे खेलते हैं उनको ये पता होगा, तुम्हारा जो स्प्रे रहता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, गेम पूरा स्लो हो जाता है। और एक जो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस जो मैंने फील करा था, जो एक्सपीरियंस करा था, वो था जैसे तुम्हारे पे गाड़ी क्लोज इन करती है ना भाई, तुम्हारा गेम वहीं फ्रीज हो जाएगा। तुम लाइक 2-3 सेकंड बाद तुम्हारा गेम सही होगा, तब तक के बंदे काम खल्लास कर जाते हैं। यार देखो क्लोज इन करने बंदे आते हैं, स्लैम इन करता है, तो बस उनका यही काम रहता है घुस के मारना। अगर तुम्हारा 2 सेकंड में वहाँ पे गेम लैग हो जाता है, और 2 सेकंड पबजी में बहुत रहता है, वहीं पर तुम्हारा काम तमाम है। अगर तुम्हारा गेम लैग भी नहीं होता, तो यार एक वर्ड होता है गेमिंग सेंस में अनप्लेएबल, मतलब वहाँ पर तुम्हारा गेम इतना हद लैग करता है कि तुम खेल ही नहीं सकते उस चीज़ को, तुम अपने गेम को ही कंट्रोल नहीं कर सकते उस टाइम पर। वो तो ऐसी ऐसी सिचुएशन तुम्हें सामने फेस आउट करनी पड़ेगी अगर तुम एक्सट्रीम एफपीएस पे खेल लो। अगर तुम्हें सिर्फ 2-3 दिन के लिए खेलना है तो ज़रूर से तुम इसको कर सकते। लाइक अगर तुम्हें खेलना है अपने गेम को अच्छे से खेलना है, तो तुम ज़रूर से अल्ट्रा पे खेलो। अल्ट्रा मेरे को पता है एक्सट्रीम से कम है, 60 FPS नहीं मिलेंगी, 40 FPS मिलेंगी, बट इतनी अच्छी खासी है कि उससे तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव होगा, डिक्रीज नहीं होगा। मेरा लिटरली मेरी केडी अच्छी खासी गिर गई है एक्सट्रीम पे करते ही, बिकॉज यार बंदे क्लोज में 1v1 नहीं मार पा रहा था भाई, मैं 1v1 नहीं मार पा रहा था बंदे, मेरी हिप फायर बिल्कुल फ्रीज हो जा रही थी, मैं स्प्रे नहीं दे पा रहा था सामने वाले बंदों को। तो दैट्स व्हाई मैंने फिर से अपनी सारी की सारी जो GFX टूल की सेटिंग्स थी उनको रीसेट मारा है, फिर से अल्ट्रा पे गया मैं। और अल्ट्रा पे जाने के बाद अब मेरे को लगा है कि अपने लो एंड डिवाइस वालों के लिए सच कड़वा है बट है 60 FPS नहीं बना है। अगर तुम लोगों को अपने गेम को अच्छे से खेलना है, अपना गेम इंप्रूव करना है, अल्ट्रा पे खेलो, 40 FPS सही है, ऐसा नहीं है यार 40 FPS बेकार है ये भाई। विदाउट GFX टूल हम लोगों को 15-20 FPS मिलती है, लिटरली मेरे को 18-19 FPS मिलती है, और उसके साथ GFX के साथ अगर तुम्हें 40-45 या 30 FPS भी मिलते हैं ना, तो वो सही है। तो बस यार इसी भाषण के साथ आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, अभी तक के तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ज़रूर से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ही कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं, बस आजकल कम ही चल रही है, बट जैसे ही डालो तुम लोगों को ज़रूर से नोटिफिकेशन आ जाए। नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर से कमेंट कर देना, अगर तुम्हें अब भी कुछ क्वेरी आती है तो मैं ज़रूर से अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने की ट्राई करूँगा। तो फिर ठीक है, अगर तुम लोगों को कस्टम्स खेलना हो तो ज़रूर से लाइक कर देना, रोज़ कस्टम्स होते हैं, आराम से तुम्हें ID पासवर्ड चैट में मिल जाएगा। तो फिर ठीक है, चलो फिर।